हेलो दोस्तों, सभी लोगों को न्यूज जानकारी यूट्यूब चैनल की तरफ से 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे आने वाला पल आपका सुखमय हो। हमारी जिंदगी से यह 2020 तो जा रहा है, लेकिन इस 2020 में घटी हुई घटनाएं हमारे जीवन से नहीं जा रही। तो दोस्तों, क्या 2021 आने से क्या हमारे साथ 2020 में हुआ है, क्या उसे बुलाया जा सकता है? नहीं बुलाया जा सकता। दोस्तों, हम 2020 को तो बुला सकते हैं, लेकिन 2020 में जो हमें दुख मिले हैं उन दुखों को नहीं बुलाया जा सकता। इस 2020 में हमने 90% सिर्फ खोया है और 20% शायद पाया होगा, और शायद वो भी किसी ने नहीं पाया। तो दोस्तों, यह 2020 एक बड़ी महामारी के जैसा है। जैसे कि आप लोगों ने एक मूवीज देखी होगी हॉलीवुड की 2012, दोस्तों उसमें जो कुछ हुआ उसके बराबर तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन दोस्तों ये भी एक बड़ी भयंकर महामारी के बराबर है। 2020 की नई साल की स्टार्टिंग भी हमने इसी तरह से की थी जैसे कि सभी लोग 2021 की कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों 2020 इतना दुख भरा साल निकला कि उस साल को तो बुलाया जा सकता है, लेकिन उस साल में घटित घटनाओं को बुलाया नहीं जा सकता, और सभी लोगों को इस बात का अच्छे तरीके से पता है। 2020 में हमने सबसे पहले सामना किया था महामारी से, और वो महामारी अभी भी इंडिया में चल रही है। उस महामारी के कारण दोस्तों हमने ना जाने कितनी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, घर में रहना पड़ा 6-6 महीने, और फिर जाकर उस पर काबू किया, और बस इसके कम होते ही दूसरी सबसे बड़ी समस्या आ गई कि हम जिन एक्टरों को हमेशा से देखते आए, बचपन से देखते आए, लेकिन दोस्तों 2020 में ही हमने उन एक्टरों को अंतिम सांस लेते हुए देखा। लेकिन दोस्तों कुछ एक्टर तो ऐसे थे कि उनकी डेथ किसी बीमारी के कारण हुई, लेकिन किसी की डेथ कुछ और कारणों से हुई। लेकिन कुछ एक्टरों के बारे में अभी भी पता नहीं चल पाया है कि उनकी डेथ किस कारण से हुई। तो दोस्तों यह 2020 एक ऐसा महान प्रकोप बन के आया कि पूरी दुनिया कभी भी इस 2020 को नहीं बुला सकती, और शायद आप लोग भी नहीं बुला सकते। लेकिन हमारी तरफ से यही कोशिश की जाएगी कि आपका यह 2021 एक सुखमय जीवन हो। हम अपनी जिंदगी में ना जाने कितने फैसले लेते हैं, और कुछ फैसले जल्दबाजी में लिए जाते हैं, और कुछ फैसले बहुत ही सोच विचार के साथ लिए जाते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कि अक्सर जो सोच विचारी के साथ फैसले लिए जाते हैं वह 90% सही रहते हैं। जो फैसले जल्दबाजी में लिए जाते हैं वह फैसले दोस्तों लगभग 50% गलत होते हैं। जीवन में कोई भी बड़े से बड़ा फैसला लेना हो, चाहे छोटे से छोटा फैसला, तो सोच समझ कर लेना चाहिए, कुछ देर के लिए विचार करना चाहिए। आपको जीवन में कभी भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े अगर फैसले लेने हैं तो कुछ समय के लिए विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि अक्सर सोच विचारी से लिए गए फैसले आपके हित में होते हैं। हमारे न्यूज जानकारी यूट्यूब चैनल की तरफ से सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई नई साल की, और आपकी आने वाली प्रत्येक साल सुखमय हो और जीवन सुखी से बीते। मुझे इतना भी पता है कि मेरे से जुड़े हुए सभी लोग सच्चाई का साथ देने वाले लोग हैं, क्योंकि एक सच की लड़ाई के साथ ये लोग खड़े उतरे हैं, तो वही लोग मेरे से जुड़े हैं जो सच के साथ हैं। दोस्तों, मुझे इस YouTube चैनल की वजह से इतना तो पता चल गया कि आज भी लोग सच्चाई के साथ खड़े हैं, आज भी लोग सच का साथ देते हैं। जो मेरे से ये 1.5 लाख लोग जुड़े हैं, दोस्तों 1,50,000 लोग जुड़े हैं, ये सच का साथ देने वाले लोग हैं, क्योंकि एक सच की मुहिम चालू की तो इतने लोग मेरे से जुड़ गए, क्योंकि ये सभी लोग सच का साथ देने वाले लोग हैं। और मुझे इस बात का 100% विश्वास हो गया कि इस दुनिया में अभी भी लोग सच्चाई का साथ देते हैं। अगर आपको जीवन में कभी भी सच्चाई का साथ देना हो तो आपके साथ सच्चे लोग होना जरूरी है,
क्योंकि सच्चे लोग रुपयों देकर नहीं आते, बल्कि वे तो सच्चाई को देखकर आते हैं, उन्हें रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों, उनके लिए सच्चाई काफी है। तो दोस्तों आप लोगों को जो मैं कहना चाहता हूं वह बात आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, क्योंकि आप लोग मेरे से जुड़े हैं तो सच्चाई के साथ जुड़े हैं, क्योंकि आप सच का साथ देते हैं। आगे आने वाले जीवन के पल सभी सुख में हो आपके। थैंक यू।